हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द टाइम्स एजुकेशन में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मैथ की सीरीज, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में हम एक भाग कंप्लीट कर चुके हैं और आज पार्ट टू होगा। पार्ट टू में हम कवर करेंगे परसेंटेज, जो पार्ट टू है उसमें हम आय और व्यय पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं हमारे अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उसमें उनको हम कवर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक क्या होगा, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों सभी क्वेश्चनों को कवर करा जाएगा। आप इस वीडियो देखने के बाद आपको कहीं इनकम वाले क्वेश्चन देखने को मिले तो आप देखते ही आप उसे कर दोगे, एक ही कंसेप्ट और टोटल क्वेश्चन कवर। तो आइए चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक क्या होगा। देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन, श्रीमान कपूर अपनी आय का 20% मकान किराए पर खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं, यदि उनकी बचत 1800 की हो तो उनकी आय क्या होगी। तो इसको क्वेश्चन करने से पहले हम आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं, जो फॉर्मूला टोटल जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सभी में अप्लाई होगा, और जो इसमें अप्लाई होगा अपने प्रैक्टिस सेट में या अपनी बुक्स में करके देखना, उसमें भी वो क्वेश्चन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखते हैं फॉर्मूला क्या है। आय, सिंपल फॉर्मूला, आय बराबर होगा हमारा खर्च और प्लस बचत। दोस्तों को फॉर्मूला को नया नहीं है, क्या है, मान लो आय और खर्च, किसी ने 100 रुपये कमाए और 70 रुपये खर्च कर दिए तो बचा कितने उसने, 30 रुपये। तो खर्च और बचत को जोड़ दें तो हमारी कुल इनकम निकली आएगी, क्या, खर्च और बचत को जोड़ दें तो हमारी कुल इनकम निकली आएगी। अब यहाँ से आय, खर्च, बचत, ये फॉर्मूला सभी के लिए अप्लाई होगा। देखते हैं चलते हैं इस फॉर्मूला प्रयोग करेंगे और इसकी और भी विधियाँ हमारी उसे भी करेंगे, फ्रैक्शन से करेंगे और इस फॉर्मूला से करेंगे, और देखते हैं एक विधि और है उससे करेंगे, जितनी भी इसकी विधियों करने की टोटल आपको बताई जाएंगी। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन का सोल्यूशन, देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा, देखेंगे इसको फर्स्ट टाइप से कैसे करेंगे। 20% मकान किराए पर, तो 20/100 कर लिए हमने, काट दो 1/5। अब आय और खर्च, सॉरी आय और बचत, क्योंकि बचत देख खर्च इसमें पूछा नहीं है तो केवल बचत। अब 5 आय है उसकी, ये आय है और ये खर्च है, 5 में से उसने ये खर्च कर दिया तो बचाया कितना उसने, 4 बचाया। अब देख लो अगला, और शेष का 70%, तो 70/100 काट दो, 7/10 कटेगा नहीं, आप छोड़ दो 7/10, आय कितनी 10 और आय 10 है, खर्च उसका कितना है 7, तो बचत कितनी होगी, बचत 3 होगी, बचत दोस्त 3 होगी, कर लो 5×2=50 और 3×4=12, 12 क्या है बचत, और यहाँ बचत कितनी होगी 1800, तो 12/1800 काट लो, क्या हो जाएगा 6 × 6 = 12 और 6 × 3 = 18, 0 काट दो, क्या हो जाएगा 5×5=150। अब 1 = कितना आ गया, 150 आ गया। तो श्रीमान कपूर की उसने आय बूझी है, श्रीमान कपूर की आय कितनी होगी हमारी, 1 = 150 है, तो कुल यहाँ कितनी है 50, तो आप 50×150 कर लीजिए, 15×75 और 2 0 कितनी होगी 7,500। तो श्रीमान कपूर की आय कितनी होगी 7,500। ये तो हमारा फ्रैक्शन का मेथड था, अब करते हैं इसके एक और इसका तरीका है, देख लेते हैं सेकंड तरीका इसका, आप इस तरीके को समझ गए हो तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। सेकंड तरीके देखते हैं इसका, सेकंड मेथड क्या होगा हमारा, ये कह रहा है श्रीमान कपूर अपनी आय का 20% मकान किराए पर खर्च करते हैं, 20%, मान लो आय उस जो श्रीमान कपूर की आय कितनी है 100% है, 100 में से श्रीमान कपूर ने 20% मकान पर खर्च कर दिए, 20% मकान पर खर्च कर दिए, और शेष कितना बचा, शेष बचा भाई 80%। अब उसने एक बात बोली है, शेष का 70% कितना होगा हमारा, शेष का 80% कितना होगा हमारा, 80 का 70% कितना होगा, 8/56 और परसेंट से 2 कट गए कितना 56।
अब 56 ये, अब बचा कितने अब हमारा 80 में से 56 जाएगा कितना बचेगा 24, ये क्या आगे बचत, और यहाँ बचत कितनी हमारी 1800, तो तुलना कर दो 1800 काट लो, कितनी बार जाएगा हमारा 6 से काट लेते हैं, 6 चौक 24 और 6 3 18, फिर काट लो 4 से 7 चौक 28 और 7 चौक 28 दो बचा 5 चौक 20 और 0 नहीं 7 चौक 28 कितने बचा 2 और 0 5 चौक 20 कट गया पूरा। एक बराबर कितना आ गया, एक बराबर आ गया हमारा 75, एक का मान 75 आ गया, मतलब 1% या फिर एक का मान कितना आ गया तो 100 का मान कितना है, हम उसका आय कितनी है, कितनी मानी हमने 100 मानी, उसकी जो कुल आय थी हमने 100 मानी थी, अब एक की वैल्यू हमारे पास 75 है, एक की वैल्यू जो 75 आ गई तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, कर दीजिए गुणा 100 गुणा 75 कितना 7500। दोस्तों ये इसका सेकंड मेथड है, वो इसका फर्स्ट मेथड था, ये इसका सेकंड मेथड है, और एक मेथड और इसका, अब वो वाला कौन सा वाला फॉर्मूला हमारा जो हमने अभी किया था, आय बराबर खर्च और प्लस बचत। दोस्तों इससे भी हो जाएगा, पर तीनों में से सबसे बेस्ट ये वाला है। यहाँ से आप इस पूछेगा कभी जो 20% मकान किराए पर उसने कितने पैसे खर्च किए तो आप निकाल सकते हो, और घरेलू चीज़ भी कितने पैसे किए खर्च यहाँ से निकाल दो, आप यहाँ से तीनों चीज़ निकाल सकते हो, और वहाँ से केवल आप इनकम और बचत और खर्च निकाल सकते हैं, और यहाँ से टोटल जितनी भी एक्सपेंसेस हमारा टोटल अलग चीज़ होगा टोटल निकाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो क्या होगा, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो क्या होगा, देखते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान किराए पर तथा शेष 62% अपने परिवार पर व्यय करता है और शेष आय की बचत करता है, यदि उसकी बचत 63 तो हो तो उसकी आय क्या हो, उसकी इनकम निकालनी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं उसकी इनकम क्या होगी, जो सवाल नंबर हमने पहले किया है सवाल नंबर वैसा ही है पर थोड़ा ही चेंजिंग्स में, तो देखते हैं क्या चेंजेस होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन पर, पहले देखेंगे भाई आदमी का आय 100% वाले 100% उसकी आय है, 100 मालिक ने 100 क्या आय है, अब 100 में से क्या कर रहा है 24% मकान किराए पर और 62% परिवार व्यय पर, तो 100 में से उसने 24 तो मकान कर दिए और 62 उस अन्न पर कर दिए, तो बचा कितना होगा 24 और 62 कितना होगा 86, 86 100 में से हटाया कितना हमारा 14% बचा रहा है, और यदि उसकी बचत कितनी यहाँ पर है, यहाँ 6300 और यहाँ पर कितनी है 1400, तो इसका और इसका क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे, जो चीज़ दे रखी है उससे हम क्या कर दें तुलना कर देते हैं, और यहाँ से 1% की वैल्यू या फिर 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 14% बराबर कितना हो गया 6300। अब 1% बराबर 6300 बटे 14, अब करना क्या है 100% का मान निकालना, तो 100 यहीं पे गुणा कर देते हैं, दोबारा गुणा करने की जरूरत नहीं है, अब देख लेते हैं 7 से 200 काट लें, 7 2 14 और 2 5 10 काट दो, 7 ने 63 और 20 5 ने 45 45 और 20 जे और 3 0 कितना हो गया 45,000, कितना हो दोस्तों 45,000, तो उसकी आय कितनी है, उसकी आय कितनी है 45,000। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, देखते हैं अगर वीडियो कुछ हासिल हो तभी करें, अन्यथा वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ना करें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, 3 पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राम का आय और बचत 3:2 के अनुपात में है, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, देखते हैं सवाल को, बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ना कि आय बिल्कुल आ रहा है यहाँ पर हमारा, हमें निकालना बचत में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी, तो देखते हैं फॉर्मूला क्या हमारा वही वाला, आय बराबर बचत और खर्च, या पर खर्च लगा लो पहले कोई दिक्कत ना तभी चल जाएगा, खर्च प्लस बचत आप कुछ भी पहले लगा सकते हैं, तो आर
राम का आय और बचत, मतलब आय व्यय, राम की व्यय और बचत, मतलब व्यय और बचत, मतलब खर्च, व्यय क्या होता है हमारा, खर्च, खर्च और बचत कितनी है पाँच, तीन उसकी खर्चा, दो क्या बचत, तो आय कितनी होगी उसकी पाँच। अब दोस्तों उसने बोला उसकी आय में 5 में 10% की वृद्धि हो गई और उसकी व्यय में भी 12% की, मतलब उसके खर्च में भी 12% की वृद्धि होगी। अब देखो अगर यहाँ हम 10% कर रहे हैं तो पॉइंटिंग वैल्यू आएगी और जहाँ 12% कर रहे हैं पॉइंटिंग वैल्यू आएगी। ऐसा करने तो ऐसा अगर हमारी कंडीशन बन रही है तो क्या करेंगे हम 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा इसमें, 100 से गुणा इसमें और 100 से गुणा इसमें। अगर अनुपात में हम सेम संख्या से गुणा भाग करते हैं तो संख्या में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, ये हम रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो देखेंगे आय उसकी कितनी होगी 500 होगी, खर्च 300 होगी और बचत 200 होगी। अब उसने बताया कि उसके आय में 10% की वृद्धि होगी, 500 था 10 बढ़ गया तो कितना हो गया 550। निकाल लो चाहे अब गुणा 10 बटे कितना 100, या फिर वृद्धि है तो जोड़ बढ़ाकर काट दो कितना 550 आगे 550। अब देखते हैं उसके खर्च में, उसके खर्च में बड़ी, उसके खर्च बढ़ा हमारा, उसका खर्च कितना बढ़ा है, उसका जो खर्च बढ़ा है 12% बढ़ा है, तो 300 का 112 बटे 100 काट दो, दो ही काट दो, 3 दूनी 6 और 3 कम 3 3 कम 3 336 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो उसकी आय है 550 हो गई है और खर्च, खर्च उसका 336 हो गया, तो बचा कितना रहा है वो। अब क्या करेंगे हम 550 में से 336 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 4 बचा 1 बचा और क्या कितना बचा हमारा 214। अब देखो अब दोस्तों उसने आय नहीं बुझी है, आय बुझती तो हम निकाल लेते हैं, पर उसने क्या बुझा उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, पहले 200 थी अब कितनी हो रही है 214 हो रही है, तो कितनी बढ़ रही है 14 बढ़ेगी और किससे बढ़ी है 200 से बटे 200, कुछ नहीं करना और परसेंट के लिए, परसेंट के लिए क्या लगाते हैं हम गुणा 100 काट दीजिए, 2 जी कट गया और 7 दूनी 14 7%। दोस्तों उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि हुई 7% की। अगर ये सवाल आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 25 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई, यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हों और 32% डाकघर में और शेष शेयरधारकों में, तो कुल शेयरधारकों की संख्या क्या है, बैंक वाला परसेंट दे रखा है हमारा और डाकघर का परसेंट दे रखा है और शेयरधारकों को परसेंट दे रखा है, और शेयरधारकों ना तो उसने परसेंट दिया है और शेयरधारकों की संख्या पूछा है। तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। अब आप 32, 30 और 60 को जोड़ने मतलब क्या ना, उसने बोला है 2500 लोगों में से केवल 60% लोग, तो 2500 का क्या निकालो, 2500 का 60% निकालो बटे 100, 2 जी 2 जी कैंसिल किया हमारा, 6 5 30 और हाँ 3 6 12 12 15 और ये 0 ठीक है, मतलब 1500 लोग हैं जो बचत और खर्च और शेयरधारक हैं। तो देखते हैं अब निकालेंगे भी, यदि उनमें से 30% बैंक में, परसेंट निकालना लिया हमें, और 32% किसमें हमारा डाकघर में और शेष धारकों में, शेष शेयरधारकों में, तो शेष कितना 32 और 30 कितना हो गया हमारा 62, 62% लोग इसमें कर रहे हैं, तो शेयरधारकों में कितने करेंगे, 100% होता हमारा तो 100 में से घटा लीजिए, कितना बचा हमारा 100 में से, कितना बचा हमारा 100 में से कितना 38%, 38% जो बचा क्या बचा हमारा शेयरधारक। अब शेयरधारक आसानी से निकाल सकते हैं, अगर पूछेगा बैंक में बचत करने वाले तो 30 पर 1500 का 30% और डाकघर में बचत करने वाले 1500 का 32%। अब पूछा इस सवाल में शेष शेयरधारकों का कितने परसेंट, तो शेयरधारक कितने हैं यहाँ पर, शेयरधारक 38% है, तो 1500 का 38% आप निकाल दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से, केवल यहाँ पर शेयरधारकों की संख्या पूछिए तो हम 38% निकालेंगे और 32 और ये पूछता तब भी हम निकाल सकते थे। देखते हैं 1500 गुणा 38 बटे 100,
काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 अट्ठे 120 हासिल किया 12, 15 तीन 45, 45 और 12 कितने हुए हमारे, 45 और 12 कितने, 57, 570। तो 570 लोग ऐसे हैं जो शेयर धारकों में अपना निवेश कर रहे हैं। और निकालते बचत बैंक तो यहाँ 32 और 30% निकाल सकते थे दोस्तों। शेयर धारकों में कितने शेयर धारकों में बचत कितने कर रहे हैं, 1500 में से 750 लोग इसमें कर रहे हैं, शेयर धारकों में निवेश कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, चलते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर और 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% निवेश किया, उसकी वार्षिक आय 561 हो, उसकी वार्षिक आय 561 हो तो पूंजी क्या है, उसकी वार्षिक आय दे रखी हो, पूंजी ज्ञात करवा रहा है। तो आइए चलते देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन जी, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 और 1/4 भाग, अब 3 चौक 12 12 आ गया, अब क्या करेंगे, 12 को हम 1200 बना लेंगे। अब यहाँ देखेंगे भी अलग अलग इस 1200 अलग अलग भागों में बांटेंगे, कैसे करेंगे, 1200 का 3/3 कितना होगा, 1200 1/3 400 काट लें, 1200 × 1/3 3 चौक 12 400 और 1200 का 1/4 3 चौक 12 300 ये 300 हो गए, ये 1200 हो गए। अब बुझा शेष पर, शेष कितना बचा हमारा, 400 ये 300 ये 700 हो गया, तो 1200 में से 700 डिवाइड किए तो कितना बचा हमारा, 500, ये शेष है हमारा, ठीक शेष हमारा दिए खड़ी। अब इस पर कितना हमारा कितना लग रहा, 7% × 7% इस परसेंट 2 जी ख़त्म, कितना का 7 चौक 28 यहाँ पर भी कितना 8% इस वाले परसेंट से 2 जीरो ख़त्म, 8 3 24 अब इसका 10% इस वाले परसेंट से 2 जीरो ख़त्म कितना 50। अब ये क्या हमारी वार्षिक आय आएगी, क्या ये हमारी क्या आएगी वार्षिक आय आएगी। अब वार्षिक आय कितनी है यहाँ पर, 561 जोड़ लेते हैं, 8 चार 12 12 के 2 हासिल किया, 1 3 और 2 5 5 और 10 102 102 बराबर कितना हमारा दोस्तों, 102 बराबर हमारा 561। अब एक का मान निकालेंगे, एक का मान कितना आएगा हमारा, एक का मान आएगा 561/102। अब यहीं पे उसकी पूंजी निकलवा रहा है तो क्या करेंगे, अब यहीं काटेंगे नहीं, देखो क्या करेंगे हमें 561/102 और गुणा कितना आ गया हमारा 1200 भी काट लो, काट लो 17 से काट लेना जी, 17 सिक्का 102 17 एकम 17 दूनी 34 कितना बचा ना, 17 51 कितना बचा हमारा, 5 और 17 51 ठीक है, और 6 दूनी 12 200 और 3 दूनी 6 और 2 जीरो कितना 6600। तो उसकी पूंजी कितनी है दोस्तों, 6600 दोस्तों। ये सवाल आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है। 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतन का जोड़ 72,000 है और अपने वेतन का 80, 85, 75% खर्च कर देते हैं, यदि उनकी बचत बचतों का अनुपात, यदि उनकी बचतों का अनुपात 8, 9, 20 हो तो ए का वेतन कितना होगा, ए का वेतन कितना होगा देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं उनका खर्च, लिख लेते हैं अपना खर्च, लिखने से अच्छा समझ में आएगा, 80% और 85% और 75% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। अब देखते हैं बचत, बचत भी तो किया हुआ ना, बचत देखते हैं 80% खर्च कर दिया तो बचा है कितना 20% और 85% खर्च कर दिया तो बचा कितना हमारा, बचत हुई 15%, 75% खर्च कर दिया तो बचा है कितना 25%। अब ये बचत का रेशियो और यहाँ पर भी क्या है बचत का रेशियो, दोनों को आपस में रख देंगे क्या बराबर 8, 9 और 20। अब निकाल लो फ्रैक्शन में, 20 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/5 कर ली दोस्तों, और 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3/20 और 25 को
चार, देख लेते कैसा आए, 15/100 काट दो, 5 से 5 3 15 और 5 2 10 मतलब कितना होगा 3/20। ऐसे हमने तीनों कर लिए, ठीक है। अब ये हमने कर लिए, अब क्या हमारा 8 9 और 20। अब इन वाले अनुपातों से हमें करना है क्या, इस वाले अनुपात में कर देना भाग। अब ये यह कितना यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, तो 5 × 8 अनुपात, यह उल्टा हो जाएगा तो 9 × 20/3, और ये उल्टा हो जाएगा 20 × 4 कर लो 8 × 40 अनुपात, 3 × 9 कितने हो गया 60, और कितने हो गया हमारा 20 × 80, 1 0 से 0 1 0 से 0। अब काट 2 से कटेगा, 2 2 4 2 3 6 और 2 6 8। अब जो 2 3 4 का क्या आ गया, अनुपात आ गया हमारा, कितना आ गया 2 3 4 का खर्च का सॉरी बचत का रेशियो आ गया। अब बचत का रेशियो आ गया, अब एक का मान हम फाइंड कर लेते हैं, एक वो 2 3 5 5 9 9 बराबर कितना हमारा दोस्तों, 9 बराबर है हमारा 72,000 है, ठीक है काट दो 9 8 72, 1 = 8,000। एक का मान दोस्तों 8 हो गया। अब पूछा उसने ए का वेतन कितना हमारा, 1 रुपया 2 और B का 3 C का 4 और C का 4 कुछ ए का बूझा बी का बूझा सी का बूझा, हम तीनों का वेतन आसानी से बता सकते हैं। तो ए का बूझा है तो कर दीजिए गुणा 8 2 16 और 3 0 कितना 16,000। इसका राइट आंसर दोस्तों 16,000 होगा। चलते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सात। किसने अपने वेतन का 30% भोजन व्यय पर खर्च, 30% भोजन व्यय पर करता है और 3% एक ट्रस्ट में दान देता है, वह इन दोनों पर 23/10 व्यय करता है, तो उस महीने में कुल वेतन कितना, तो उस महीने में उसका कुल वेतन कितना है। देख लेना सवाल बहुत ही सिंपल है, 30% भोजन पर कुछ नहीं करना और प्लस 3% एक ट्रस्ट में दान देता है, तो कितना हो गया 33%। 33% का वैल्यू कितना दे रखा है इसमें, 23/10, 1% का मान आप निकाल लीजिए, 23/10 कितना होगा 33 × 100। अब आप इसे काट लीजिए, 11 से कटेगा, 11 3 33, 11 2 22 और 11 1 11 और 0, अब 3 × 3 7 21, तो 100% बराबर दोस्ती 1% बराबर इतना है। तो मैंने 100 से इसलिए गुणा किया क्योंकि मैं 100% निकालना था, यहाँ मैं 100% लिख दे रहा हूँ आपको, 150% कितना हो गया 70 और 100 कितने हो गए 7,000। तो उस महीने में उसका जो वेतन कितना है 7,000 रुपये है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।